कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन मुगल शहजादों के बीच एक बेहद रोचक वाक्या हुआ। सत्ता की लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले शाहजहां की एक बड़े फकीर से मुलाकात हुई। शाहजहां ने उससे पूछा, मेरे बाद तख्त पर कौन बैठेगा? फकीर ने जवाब दिया, बताओ तुम्हारे बेटों का क्या नाम है? शाहजहां बोले, दारा मेरा सबसे बड़ा बेटा है। फकीर बोला, दारा का भाग्य सिकंदर से पूछना चाहिए। शाहजहां बोले, सुजा मेरा दूसरा बेटा है। फकीर बोला, लेकिन सुजा तो सुजा नहीं है, सुजा यानी निडर। शाहजहां एक क्षण रुके और फिर बोले, मुराद के बारे में आपकी क्या राय है? फकीर ने जवाब दिया, मुराद की मुराद कभी पूरी नहीं हो सकेगी। फिर शाहजहां बोलते हैं, और औरंगजेब के बारे में आप क्या कहेंगे? फकीर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हाँ वो औरंगजेब बनेगा। साफ नजर आता है कि औरंगजेब के बचपन से जवानी तक का हिस्सा काफ़ी परेशानियों से घिरा रहा। जब वह बीजापुर से वापस होकर आगरा की ओर बढ़ा तो हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कुछ होगा जिसका जिक्र सदियों तक यूं ही चलता रहेगा कोई नहीं जानता था। शाहजहां की खराब तबीयत ने यकायक देश में अजीब हलचल पैदा कर दी। औरंगजेब नए सफर पर था जिसका हर लम्हा अपने अंदर कई विवाद, रहस्य और अनोखी बातें समेटे हुए था। मुराद गुजरात में, दारा आगरा में और शाह शुजा बंगाल में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का मंसूबा संजोने लगे। तय लगने लगा कि मुगल तख्त का फैसला इस बार भी बिना खून बहाए नहीं होगा। सवाल था कि आने वाले दिनों में जीतेगा कौन और कौन होगा मुगल सल्तनत का अगला बादशाह। दोस्तों, इसके बाद की कहानी हम सभी जानते हैं कि कैसे औरंगजेब ने अपने ही बाप को कैद किया और अपने ही भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया, जिसका जिक्र हम आने वाली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आप इस घटना पे अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।